तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने, जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सबर का आदि हो जाता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने, जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सबर का आदि हो जाता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने, जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सबर का आदि हो जाता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने, जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सबर का आदि हो जाता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु